हेलो स्टूडेंट, तो आज सब आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो क्या है, तो आपका जो है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो रिजल्ट है वो आज डिक्लेयर हो चुका है बच्चों। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, आपके 2023 के अंदर ये वैकेंसी आई थी। वैकेंसी कब आई थी बच्चों, तो वैकेंसी आपकी आई थी 19 तारीख 5 महीने 2023 को आपने फॉर्म भरे थे। और ये जो वैकेंसी है जिसका लास्ट डेट ये था, और इस वैकेंसी के अंदर बच्चों आपका क्या है, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि विज्ञप्ति जो है आपकी, इसके अंदर टोटल पद कितने थे बच्चों, तो टोटल पद आपके थे 4800। 4800 जो है कितने पद थे बच्चों, 4800 जो है 47 पदों की वैकेंसी थी। कितनी थी, तो 4847 पदों की वैकेंसी थी। इसका रिजल्ट जो है आज डिक्लेयर हो चुका है, 4 तारीख 9 महीना 2024 को डिक्लेयर हुआ है। इसके अंदर यहाँ पे हुआ क्या है, कुछ लोगों का रिजल्ट जो है रुका हुआ था उनका भी डिक्लेयर हो चुका है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छे से पूरा रीड करना है वेबसाइट के ऊपर जाकर के। इन सारे विद्यार्थियों को जिनका रिजल्ट क्या है, नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो वैकेंसी थी 2023 की, इसके अंदर 1173 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया था। उसके जो है सारे के सारे क्या है, कट ऑफ जारी की है। तो इस कट ऑफ जारी के अंदर ये जो है टोटल जो है इतने सारे स्टूडेंट का रिजल्ट है, और इस रिजल्ट के अंदर ये जो कट ऑफ रही है ये आपके सामने बच्चों, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी की जो भी आपकी कट ऑफ जारी की है वो कट ऑफ क्या है। तो कट ऑफ ये है कि अनारक्षित जाति वर्ग जिसके अंदर सामान्य यानी कि जनरल विभाग में जो है, जनरल कैटेगरी में जो भी बच्चे आते हैं उनकी मेरिट रही है 68.842, और जो बच्चे कैसे हैं यहाँ पे विधवा कैटेगरी जो है इनकी जो रैंक रही है, इनका जो कट ऑफ रहा वो है 44.925, और जो विवाह विंचन है उनके लिए क्या है 64.467 है। अगला जो है जो ओबीसी वर्ग में आते हैं, ज़्यादातर कैटेगरीज ओबीसी के अंदर ही रहती है, तो ओबीसी वाले बच्चों की कैटेगरी क्या है बच्चों, उनका जो रिजल्ट कट ऑफ रहा है वो कितना है 63.505 है, और जिनका डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चों 12/8/1992 है। कितना है, जिनका डेट ऑफ बर्थ क्या है 12/8/2000 जो है 1992 है, उनका जो है कट ऑफ कितना है 63.508। अगली कंडीशन है कि जो ओबीसी वर्ग में है और विधवा है उनके लिए क्या है 36 कितना है बच्चों, सिर्फ 36.100 है, और जो ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं और विवाह विंचित वाले हैं उनके लिए क्या है 52.9445 है, और जो अनुसूचित जाति से आते बच्चे उनके लिए क्या है, अनुसूचित जाति के सामान्य वर्ग वाले जो बच्चे हैं उनका है 54 कट ऑफ गया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 4/7/1993 है। कितना है 4/7/1993 है, उनकी कट ऑफ ये है। और जो विधवा है और आपका अनुसूचित जाति से जो है बिलोंग करता है उनके लिए 37.046 है, और जो विवाह विंचन है उनके लिए क्या है 37.720 है। अनुसूचित जाति से जो भी आता है और उनके लिए जो सामान्य महिला है उनके लिए क्या है बच्चों 50 कट ऑफ रही है। कितनी रही है 50.033 है, और जो विधवा है उनके लिए 38.883 है, और जो विवाह विंचन उनके लिए 38.075 है, ज़्यादा फर्क नहीं है। अगला है अति पिछड़ा वर्ग जो आता है उनके लिए क्या है, पिछड़ा वर्ग वो होता है जो कैसे होते हैं आपके बिलो पुअर लाइन वाले होते हैं उनको बोलते हैं। अगली कंडीशन क्या है, इनके अंदर सामान्य वालों के 52.783 रही है कट ऑफ, और जो विधवा है उनके लिए 42.142 वाला है, और जो विवाह विंचन है उनके लिए 43.533 है, और जो क्या है ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनका सामान्य वर्ग की महिला की जो कैटेगरी है इनके अंदर 52.350 है, और विधवा के लिए 37.667 है, और जो विवाह विंचन वाले उनके लिए भी 37.114 पाई जा रही है, और सहाय वालों के लिए 44.917 करके हैं। और ये तो आपकी सारी की सारी कट ऑफ है जो आपको अच्छे से रीड कर लेनी है वेबसाइट के ऊपर जाकर के। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उनके लिए। अब यहाँ पे क्या है, अनुसूचित क्षेत्र की अंतिम चयन जो सूची है वो कट ऑफ प्रतिशत निर्धारण निम्नानुसार है, वो क्या है जाति वर्ग कैसा
टीएसपी वाले क्षेत्र अनारक्षित है और टीएसपी जो है अनुसूचित जाति और टीएसपी अनुसूचित जनजाति वाले जो लोग हैं उनके लिए। तो महिला की जो है टीएसपी अनारक्षित के अंदर महिला में क्या है 55.217 है, विधवा के लिए 36.623 है और विवाह पेंशन वाले के लिए क्या है बच्चों 45.55 वाला है और टीएसपी अनुसूचित जाति वालों के लिए क्या है बच्चों 50.542 है और इनका भी सेम रहने वाला है, जिनके डैश डैश क्या वो सेम है। अगली कंडीशन क्या है, टीएसपी अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनके लिए क्या है 47.583 वाला है, डैश वाले की ये सेम है और अगला जो विवाह पेंशन है उनके लिए 44.245 है। इन सब विद्यार्थियों के लिए क्या है, इन सब विद्यार्थियों के लिए क्या है कट ऑफ जारी हो चुके हैं और ये कट ऑफ के साथ साथ में आप नीचे जाकर के देखोगे तो आपके अपने नाम है, एप्लीकेंट का नाम है, जैसे पहले पे लिखा है बीना और उसका ये एप्लीकेशन आईडी है और यहाँ पे क्या है एप्लीकेशन का डेट ऑफ बर्थ पूछा है और उसके फादर का नाम है, कैटेगरी कौन सी है ओबीसी एनसीएस है, मैरिटल स्टेटस विडो है, स्पेशल एबल है क्या, स्पोर्ट्स पर्सन है क्या, 70% ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ एंड प्रोफेशनल टोटल मार्क्स लिए हैं और बोनस मार्क मिले हैं 30, टोटल परसेंटेज बने हैं 84 और सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे विडो कैटेगरी से जो है जनरल फीमेल है, विडो कैटेगरी से जनरल फीमेल है। इस तरीके से ये सारे के सारे बच्चों का इस तरीके से रिजल्ट है जिसके अंदर आपका एप्लीकेशन आईडी है, आपके परसेंटेज कितने हैं वो लिखे हुए हैं, किस कैटेगरी से आप सिलेक्ट हुए, मैरिटल स्टेटस क्या है, जनरल हो, अनमैरिड हो, मैरिड हो, EWS हो, SC ST हो, उन सब के सब का क्या है इस तरीके से ये आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जो आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर जाकर के इस पूरे PDF को अपने नाम को ढूंढना है क्योंकि ये सिलेक्टेड बच्चों का है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का सिलेक्टेड बच्चों का पूरा PDF है जो मैं एक एक करके सबका रिजल्ट नहीं सुना सकती, तो आप लोगों को ये जाकर के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों का ये रिजल्ट आ चुका है, इस बात पे आपको फोकस करना है और ये कट ऑफ मैंने जो आपको बताई है ये रही है, जो फॉर्म आपने 19/5/2023 को निकले भरे थे उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, 2023 के अंदर ये वैकेंसी आई थी और आज रिजल्ट उसका डिक्लेयर हो चुका है। तो आप सब लोगों को वेबसाइट के ऊपर जाना है और इन सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से कलेक्ट करना है और ये जो कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई है वो कट ऑफ मैंने आपको बता दी बच्चों। तो आपको क्या करना है, हाँ आप सब लोगों में से जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और उज्ज्वल भविष्य की भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। तो आज जो है ये आप सब लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, जिन लोगों ने भी फॉर्म डाला उन लोगों का सिलेक्शन जिनका भी हुआ है उन लोगों के लिए आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। तो ये आप अपना रिजल्ट वेबसाइट के ऊपर जाकर के पूरा पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर सब स्टूडेंट का क्या है एप्लीकेशन आईडी है, नंबर है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, कितना परसेंटेज बना और किस कैटेगरी से आप सिलेक्ट हुए वो सब कुछ लिखा हुआ है और टोटल कट ऑफ कितनी गई है वो भी इसके अंदर ऐसे मेंशन की हुई है। तो इस PDF को खोलना है वेबसाइट के साथ में और इस इंफॉर्मेशन को इसलिए आप तक पहुंचाया जा रहा है, कुछ लोगों को ये पता नहीं चलता है कि वैकेंसी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है या नहीं, तो ये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होता है उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो आज के साथ इसी के साथ मैं वीडियो को देती हूँ विराम, वापस मिलेंगे नेक्स्ट नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।